हड़प्पा रेड्डी का बेटा है क्या? स्वागत है आप सभी का इंडिया के बिगेस्ट एंटरटेनमेंट चैनल पर। आज हम जानेंगे साउथ की कुछ धमाकेदार फिल्में जो कि हिंदी डब हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहली फिल्म है इबारू, जो कि 2019 की एक सुपरहिट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 8.2 की ब्लॉकबस्टर रेटिंग मिली है। वहीं पे इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स ने पसंद भी किया है। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकट राम जी ने। और बात करें इस मूवी के लीड कास्ट की, तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको देखने को मिले थे रजीना कैसेंड्रा, अद्वी शेष, नवीन चंद्र, मुरली शर्मा और वेनिका एक्टर। इस मूवी का अनऑफिशियल हिंदी डब वर्जन यूट्यूब और टेलीग्राम पर आ चुका है। अगली फिल्म है छुबे कब्रू चलागा, जिसका हिंदी नाम रखा गया है अजनबी से प्यार। यह फिल्म एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.1 की बढ़िया रेटिंग मिली है। वहीं पे इस मूवी को 85% गूगल यूजर्स पसंद किया है। बात करें इस मूवी का डायरेक्टर की, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौशिक प्रजापति ने। और बात करें इस मूवी के लीड कास्ट की, तो लीड कास्ट में देखने को मिले थे कार्तिक, लवण्या त्रिपाठी, मुरली शर्मा और वेनिका एक्टर। ये फिल्म भी अनऑफिशियली यूट्यूब और टेलीग्राम पर अवेलेबल हो चुकी है। अगली फिल्म है लव स्टोरी, जो कि 2020 की एक बिगेस्ट रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.3 की सुपर हिट रेटिंग मिली है। वहीं पे 92% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो उस मूवी को डायरेक्ट किया है शेखर कमूला ने। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो उस मूवी का बजट मात्र 30 करोड़ था और फिल्म ने 50 करोड़ से ऊपर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस मूवी के लीड कास्ट में आपको देखने को मिले थे नागा चैतन्य, साई पल्लवी और वेनिका एक्टर। ये फिल्म भी अनऑफिशियली टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है हिंदी डब वर्जन में। अगली फिल्म है जय भीम, जो कि 2021 की एक सुपरहिट हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 9.6 की ब्लॉकबस्टर रेटिंग मिली है। वहीं पे इस फिल्म को 97% गूगल यूजर्स से पसंद किया है। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो उस मूवी को डायरेक्ट किया है TJ गनवाल ने। और बात करें इस मूवी के लीड कास्ट की, तो उस मूवी के लीड कास्ट में आपको देखने को मिले थे सूर्या, लीजा मोल, राजेश, प्रकाश राज, राव रमेश और वेनिका एक्टर। ये फिल्म भी अनऑफिशियली यूट्यूब और टेलीग्राम पर अवेलेबल हो चुकी है। कंटिन्यूज द फॉल प्लेइंग दिस केस। अगली फिल्म है अरविंद समेता, जो कि 2018 की एक बिगेस्ट एक्शन फिल्म थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.6 की बढ़िया रेटिंग मिली थी। वहीं पर 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। बात करें इस मूवी के लीड कास्ट की, तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको देखने को मिले थे जूनियर NTR, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू और वेनिका एक्टर। ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब के पेन मूवीज चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है हिंदी डब वर्जन में। अगली फिल्म है गली राउडी, जो कि 2021 की एक सुपरहिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की बढ़िया रेटिंग मिली थी। वहीं पे 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया था। बात करें इस मूवी के लीड कास्ट की, तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको देखने को मिले थे संदीप किशन, नेहा सेट्ठी, बॉबी सिम्हा और वेनिका एक्टर। ये फिल्म ऑफिशियली हिंदी डब में RKD के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में पेंट करते हैं। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ऐसे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट वीडियो रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।